मुझे बड़ा अफसोस होता है कभी कभार तो, कि हम हो गए 131 करोड़, 131 करोड़ से तो ज़्यादा ही हो गए, सही है, लेकिन हम लोग इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करते, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में लिखा भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन यार क्या सोचेंगे कि मतलब क्या है? आज और एक्चुअल में सारी थॉट प्रोसेस बेसिकली इसी ड्यूरेशन में आती है, आप जब 12, 13, 14 साल में इसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, 14 to 18 में इतने हार्मोन्स डेवलप होते हैं कि इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे, ठीक है, इसी एज में बहुत सारे लोग गलत गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो जिसमें से ये एक है, बहुत अच्छी बात है जो लिख रहा है, ठीक है, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, जबकि ये बहुत 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 बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो कि गलत बात है, जो होना नहीं चाहिए, ठीक है, और ये डिस्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि हम लोग छुपाते हैं चीज़ों को, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, है ना, इस वजह से, क्योंकि जिन चीज़ों को हम छुपाते हैं, आपको पता है कि आपके घर पे अगर कोई छुपा के चीज़ लाई जाए, पापा लेके आए, पापा बोले कि मैं आइसक्रीम लेके आया हूँ, लेकिन बताए ही नहीं, सीधे फ्रीजर में रख दें, तो आपका मन ज़्यादा चलेगा, आप कोशिश करोगे मैं फटाफट से वो आइसक्रीम खा लूँ, इंतज़ार करने का मन नहीं करता, जो चीज़ छुपाई जाती है उसमें ज़्यादा मन चलता है, तो इन चीज़ों को ना आज हमारा इंडियन कल्चर छुपाता रहा है हमेशा से, और इसी वजह से बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, और कुछ नहीं, तो खैर बहुत अच्छी बात है कि आज बच्चे ओपनली इसके बारे में, मतलब ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, और आप उनसे मतलब लड़ोगे भी कैसे, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें हैं, उनसे लड़ोगे भी कैसे, समझ ही नहीं आता, और ये डिस्ट्रैक्शन मैंने एक्चुअली लिखा नहीं, बल्कि ये डिस्ट्रैक्शन लिखना चाहिए था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिस काइंड दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोज जो लिखी थी, है ना, ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों में है, लेकिन हम लोग बात नहीं करते, डर डर रहता है हमें कि कोई कौन क्या सोचेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, पता है कभी किसी को बोलो ना कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर है, तो मेंटल डिसऑर्डर को इंडिया में माना ही नहीं जाता, कोई कहता है ना मुझे दिमागी बीमारी है, दिमागी बीमारी क्या होती है, मानते ही नहीं है, जबकि बाहर जाओगे ना मेंटल डिसऑर्डर को भी एक तरह की बीमारी माना जाता है, उसका भी इलाज किया जाता है, इंडिया में नहीं है, यहाँ में मेंटल प्रेशर को कोई प्रेशर थोड़ी है, मेंटल प्रेशर है, अरे क्या मेंटल प्रेशर है, अरे मेंटल प्रेशर भी बीमारी होती है मेरे भाई, और ये सब भी बीमारियां होती हैं, समझ में आता है, चलो बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे ने लिखा उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, सल्यूट है उस बच्चे को जो अपनी इस तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो चैट सेक्शन में लिख के अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, बहुत बढ़िया, उसको सल्यूट करना चाहिए बजाय उसको ये कहने के, है ना, और ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है।